असल बताया जाए, आप अमेरिका से लौट कर आए हैं कोरोना महामारी के दरमियान, क्या कुछ देखने को मिला और भारत में क्या स्थिति देखने को मिल रहा है? ऐसा है कि मैं अमेरिका में पिछले करीब करीब 21 साल से रह रहा हूँ, तो अभी पिछला पूरा साल अमेरिका में ही था लॉकडाउन के समय में, तो कहीं निकलने का मौका नहीं मिला। हालत बहुत ही बुरी थी अमेरिका में, खासकर न्यूयॉर्क में तो हालत बहुत ही ख़राब थी। ऐसा हो गया था कि सारे हॉस्पिटल्स ओवरवर्म्ड हो गए थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, मरीज जो है वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में और बालकोनीज में ऐसी जगहों पे थे। सर, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें आती थी किस तरीके का स्थिति, क्या वास्तव में वैसा स्थिति था वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी हालत थी। मतलब कह रहा हूँ कि ऐसी हालत थी कि जब लोग मर रहे थे तो मरे हुए शव को रखने की जगह नहीं थी, तो हॉस्पिटल्स ने क्या किया कि वो फ्रिज वाले ट्रक मंगाए और उन लोगों ने ट्रक में लाशों को भरना शुरू कर दिया, और वो ट्रक भरी लाशें महीनों महीनों तक पड़ी रही क्योंकि उसको कोई लोग नहीं थे जो उन शव का कुछ कर सकते थे। फाइनली न्यूयॉर्क के गवर्नर ने क्या किया कि उन्होंने एक बुलडोजर मंगवा करके बड़ा एक ट्रेंच खोदा और उसमें 30-30-40 लाशों को एक साथ दफना दिया गया। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी न्यूयॉर्क। अभी फिलहाल अमेरिका या अन्य देशों में, जो आप तो मान लीजिए बाहर तो सबसे सुपर शक्तिशाली देश में रह चुके हैं और रहते भी हैं, वहाँ की स्थिति ये है, तो हम अपने देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया और इंडिया के भारतवासियों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारे भारत देश की, अगर न्यूयॉर्क के जैसी हालत हो जाती या US के जैसी हालत हो जाती तो यहाँ बहुत बुरा होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। सेकेंड फेज में दोबारा कोरोना चलाया है, कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन था अमेरिका में और यहाँ के, क्या अंतर आपने देखा होगा? डिफर कुछ तो किया होगा जब वहाँ से आप यहाँ के धरती पर लैंड किए होंगे तो। नहीं, रूल्स रेगुलेशंस में बस यही है कि मास्क पहनने की ज़रूरत है। अमेरिका में भी जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने काफ़ी लोगों को इनक्रेज किया कि मास्क ना पहनिए, और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था अमेरिका में इतना बुरा होने का। लेकिन जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि सभी को मास्क पहनने की ज़रूरत है, एटलीस्ट जब तक सारा वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। तो इंडिया में भी लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि भारत में सचमुच में कोरोना अमेरिका वाला है या बस केवल हवा हवाई? यहाँ तो कम लग रहा है, सही पूछिए तो अमेरिका के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ तो पिछले वर्ष से राजनीतिक जब चुनाव होता है तो कोरोना जैसे मानिए गायब हो जाता है, फिर अभी चुनाव के 5 राज्यों में है, तो बंगाल में भी आपने देखा नहीं होगा कि कोरोना का कोई असर हो, बिहार में भी चुनाव हो गया कोरोना के काल में ही, तो ये कुछ नहीं लगता? जैसे कि आप तो मान लीजिए कि बाहर अमेरिका से आप आए हुए हैं, तो वहाँ क्या लगता था कि सच में कोरोना से लोग मर रहे थे या कुछ और वजह से? नहीं, वहाँ तो बिल्कुल ही सही था कि कोरोना से लोग मर, यानी जो तस्वीरें थी वो सच में एकदम डरावनी थी वहाँ पर, बहुत डरावनी थी, यानी लोग सच में उस तरीके का चीज़ों को सर उस समय देखे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हमने तो बहुत करीब से देखा है, वहाँ की हालत बहुत ही बुरी थी। इंडिया में वैसी बुरी हालत नहीं है, इंडिया में बहुत ही अच्छा है उसके कंपैरिजन। तो यानी देखा जाए तो यहाँ कोरोना का वो संक्रमण जिस तरीके से अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, पिछले वर्ष तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी चला गया, लेकिन अब फिलहाल जो दोबारा ये जो नया आया है मामला, ये और तेजी से फैल रहा है। वायरस है तो फैलेगा ही फैलेगा, कह रहे हैं कि जो सेकंड फेज का वायरस है वो अभी तेजी से फैल रहा है, लेकिन साथ में अब वैक्सीन्स भी बहुत आ गई हैं, तो लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए, और जितनी जल्दी हम वैक्सीन लेंगे प्लस जिन लोगों को हो चुका है, ये सारे मिल करके हर्ड इम्यूनिटी का पार्ट बन जाएंगे, और जितनी जल्दी 70-80% लोग वैक्सीन प्लस हो चुका है जिन्हें ये आ जाएंगे, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो लोगों को करना चाहिए।